Is a life that focuses on avoiding pain and seeking out pleasure a good, a worthwhile life? Why or why not? Avoiding pain and not seeking pleasure actually. We are seeking pleasure by avoiding pain. Avoiding pain and seeking pleasure. Avoiding pain and seeking pleasure is a life worthwhile. It depends how you define your pain and how do you define your pleasure. Matlab depend karta hai na ki tu pleasure kisko dekh raha hai aur pain kisko dekh raha hai. देख अगर हम बहुत ब्रॉड सेंस में देखें तो हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को केटर करना एक सेंस में हमारे लिए प्लेजर है और उसके एक ऑर्डर और केओस के हिसाब से अगर हम देखें और केओस के अगेंस्ट जाना पेन है. और अगर हम ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं मतलब बेसिकली केओस के अगेंस्ट जाके ऑर्डर क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद हम सीक करते हैं उसमें प्लेजर तो उसमें पेन भी है और उसके बाद उसका बायोलॉजिकल लेवल पे प्लेजर भी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं इस चीज को कि सपोज तेरे को तूने कुछ हसल करा तूने मेहनत करी तू ऑर्डर केओस के अगेंस्ट गया तूने अपनी लाइफ में एक ऑर्डर क्रिएट करा उसके बाद तूने कुछ अचीव करा उससे तूने प्लेजर सीक करा. समझ रहे हो उस चीज को. और जो केओस को हम बीट कर सकते हैं वो है थ्रू मतलब बेसिकली उसमें थोड़ा एक पेन का भी आएगा और उसमें दूसरा एक तेरा बायोलॉजिकल का सेपरेशन भी होगा बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट का जो एक्सेसिव डोपामाइन सीक करना. हाँ वो तो हो गया ना तू पेन लेके प्लेजर ले रहा है तूने हार्ड वर्क करा पेन लिया और तेरे को प्लेजर मिला. एग्जैक्ट बट क्वेश्चन ये है कि तू बिल्कुल पेन अवॉइड करे बिल्कुल और बस प्लेजर सीक करे तो लाइफ मतलब वर्थ है कि नहीं. वर्थ है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वर्थ है लेकिन अगर हम आज के सर्कमस्टांसिस में देखें वो वर्थ नहीं है बहुत बड़े लेवल पर इम्पॉसिबल है क्योंकि इम्पॉसिबल एग्जैक्टली क्योंकि तू प्लेजर के थ्रू क्योंकि देख तू अगर प्लेजर सीख कर रहा है तो तू किसी को बेनिफिट नहीं कर रहा क्योंकि अब हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें सब म्यूचुअली कनेक्टेड है सबसे कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं है. तेरा एक एक्शन काफी हद तक बहुत बड़े लेवल पे सबको इफेक्ट करता है लेकिन अगर तू एफर्ट नहीं करेगा तो तेरे को कोई वो भी नहीं करेगा केटर भी नहीं करेगा. मतलब तू अगर मेहनत नहीं करेगा तो प्लेजर सीख करेगा कॉन्स्टेंटली तेरे को कोई पे नहीं करेगा उसके लिए कोई अपने सैक्रीफाइस नहीं करेगा तो तेरे को सैक्रीफाइस करना है और लोगों से सैक्रीफाइसेस करवाने हैं. तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है सबको जो बाउंड करके रखता है आपस में जो कम्युनिटीज है कम्युनिज्म है मतलब फिजिकली तो उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसमें तू कॉन्स्टेंटली अगर तू रीच करे प्लेजर और अगर सारे ही प्लेजर को सीख करने शुरू कर देंगे तो फिर बेसिकली कैपिटल जनरेशन और डेवलपमेंट वगैरह पे कौन ध्यान देगा क्योंकि अब मींस जो है ग्रोथ का वो कैपिटल जनरेशन पे है वो अवॉइडिंग प्लेजर है. पहले की चीजें अलग थी व्हेन वी वर हंट गैदरर्स तब था कि तुम प्लेजर सीख करो तुम आए हो तुम एंजॉय करो और उसके बाद जब तुम पेन जैसी पेन आने लगे तुम मेरे हिसाब से तो वो चले ही जाते थे बेसिकली ज्यादा इयर्स तक उनकी लाइफ नहीं होती थी. तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि तुम कॉन्स्टेंटली प्लेजर सीख नहीं कर सकते कंप्लीटली पेन को अवॉइड करते हुए तो वर्थ वाइल मेरे हिसाब से वर्थ वाइल क्या वो एग्जिस्टेंशियली नहीं है आज के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए तो वो एक चीज है कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम्हें प्लेजर को करना ही पड़ेगा फॉर गो तुम्हें पेन को इनवाइट करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अब ऑर्डर की जरूरत है अपनी लाइफ में. तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि पहले की चीजें अलग थी पहले हम बाउंड नहीं थे ना किसी के लिए लेकिन अब हम बाउंड है हमें केटर करना है सबको सैक्रिफाइसेस करने हैं खुद करना है. एग्जैक्टली तो हम कॉन्स्टेंटली अगर प्लेजर सीख करेंगे तो फिर हमारी बाकी चीजें हमारे साथ हमारे से वो सिंक नहीं हो पाएंगी बेसिकली तो वो एक फिर वो क्योटिक हो जाएगी लाइफ. एग्जैक्टली फिर वो काफी क्योटिक हो जाती है लाइफ क्योंकि तो कई बार देखता है कि जो एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स और इन सब के लिए वो क्या करते हैं बेसिकली प्लेजर सीख कर रहे हैं पेन को कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर उनकी लाइफ तो हेल हो जाती है ना यहीं पर ही तो वो ऑर्डर ही नहीं क्रिएट कर पाते वो फिर उनकी क्योटिक लाइफ हो जाती है. तो मेरे हिसाब से आज की करंट कंडीशंस को देखते हुए एक बैलेंस बहुत जरूरी है ऑर्डर और क्योस का जिसे डुअलिज्म कहते हैं तो दोनों जरूरी है थोड़ा बहुत उसमें क्योटिक भी होना चाहिए और थोड़ा ऑर्डर की भी काफी जरूरत है तभी तुम लाइफ में बेसिकली सर्वाइव कर पाओगे नहीं तो एक लेवल पे तुम्हें कोई तुम्हारे लिए कोई सैक्रीफाइस नहीं करेगा और तुम्हें कोई केटर भी नहीं करेगा जब तक तुम कुछ सोसाइटी को नहीं दे रहे. सोसाइटी तुमसे डिमांड करती है अगर तुम आए हो इस दुनिया में तो तुम्हारा एक पर्पस है तुम्हें कुछ करना है तो वो एक चीज है और तुम उस पर्पस को फुलफिल करते हुए
एक कुछ पार्ट लेते हो उसमें से और अपनी लाइफ को अपनी चीजों को बेटर करते हो और फिर उसके थ्रू तुम प्लेजर सीख करते हो। अब तुम आके सीधा प्लेजर सीख नहीं करते, पहले तुम कुछ पेन को बियर करते हो, फिर उसके बाद तुम कुछ एफर्ट्स करते हो, उसके बाद तुम जाके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेजर सीख कर सकते हो। और वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना पेन लोगे उतना ही तुम्हें एक लेवल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता, फिर उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं कि तुम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, पेन को मतलब कि तुम अपने एफर्ट्स को एफर्टलेस बना दो और मतलब तुम पर्पस डिफाइन कर लो, और उसके बाद मतलब बेसिकली अब एक लिविंग का एक हैक है जिसे पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसे तुम एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे पेन अवॉइड कर सकते हो, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से ये एक चीज है कि तुम पेन को जस्ट अवॉइड भी नहीं कर रहे, अगर पेन आ भी रहे तो तुम उसे मतलब प्रोसेस में ही ले रहे हो, तुम मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहे, तुम उसमें में समझ लो एक लेवल पे एंजॉय कर रहे हो उसे। हाँ तो वही चीज है, लेकिन उसके प्रोसेस के स्टार्टिंग में भी पेन है और उसको ढूंढने में भी पेन है, और पेन तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ में सराउंडेड है ही हम पेन से। हम इतना भी प्लेजर सीकिंग नहीं हो सकते, उसके बाद फिर चीजें मेरे हिसाब से वर्क नहीं करेंगी बहुत ब्रॉडर लेवल पे। तो ये एक चीज, ये कोट भी है, अगर भगवान हमें मतलब पनिश करना चाहते हैं तो वो हमें सब कुछ दे देते हम चाहते हैं। हाँ वो भी एक चीज है ना, बंदा पागल हो जाएगा उसको मतलब। हाँ, अगर वो पूरे टाइम प्लेजर सीख करेगा, अगर पूरे टाइम उसे प्रेशर मिल रहा है तो प्रेशर की बेसलाइन तो ऊपर होगी ना, फिर प्रेशर तो प्रेशर रहा नहीं, उससे भी खत्म हो जाएगा, वो कुछ और जाएगा, वो एक टाइम में पेन जाने लगेगा कि उसे इतना प्रेशर मिल गया, वो इतना दिमाग में उसके इतना डोपामिन सेरोटोनिन कुछ भी कह लो इतना भर गया है, और वो चाहता है डोपामिन फ्राई जैसे कहते हैं, ज्यादा प्रेशर से मिल नहीं सकता। हाँ इतने एक्सट्रीम लेवल प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो फिर वो पेन चाहेगा। हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी, ये पैराडॉक्स हो गया ना एक तरह से, एक्सेसिव पेन लीड्स टू एक्सेसिव प्लेजर लीड्स टू पेन, या एक्सेसिव पेन लीड्स टू प्लेजर, तो कुछ ऐसा ये हेवन के कॉन्सेप्ट में आता है कि अगर हेवन एग्जिस्ट करता है तो उधर लोग सारे पागल हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ मिल रहा है पूरे टाइम, सभी कुछ अच्छा है। लेकिन अब तो अगर एक ड्रग एडिक्ट के केस में देखे तो मेरे ख्याल से वो एक सर्टेन अमाउंट पे ड्रग्स से तो प्रेशर सीख करके हैप्पी है लाइफ में, उसको और कुछ जरूरत ही नहीं है लाइफ में मेरे हिसाब से, तो भी फुलफिल तो है ही अगर उसको ड्रग टाइम टू टाइम मिल रहा है बहुत ब्रॉडर लेवल पे देखें तो। फुलफिल नहीं है वो, एक टाइम बाद क्या पता उसका एसेंस खत्म हो, अब ये भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं पेन भी तो इंड्यूस कर ही रहा है ना उसकी बॉडी में, पेन भी तो कर रहा है और वो सब चीजें। हाँ प्योर प्लेजर नहीं है ना, वो सीख कर रहा है, प्योर प्लेजर एग्जैक्टली मिक्स है, वो बेसिकली वो कोशिश कर रहा है मतलब सिगरेट से किसी से भी लिंक कर ले, उसकी बॉडी तो इफेक्ट हो रही है ना, वो तो डैमेज हो रहा है ना अंदर ही अंदर, उसको लग रहा है वो प्लेजर, अगर उसे लग रहा है कि वो प्लेजर है। हाँ 24/7 प्लेजर टाइम, हाँ मतलब फिर हो सकता है कि हम 24 घंटे तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, तुम्हें पूरे दिन एग्जैक्ट प्लेजर मिल रहा है। हाँ तुम्हें कोई डेथ का वो नहीं है मिले, हाँ डेथ का नहीं है, डेथ का तुम्हें कोई फियर नहीं है, इमॉर्टल भी तुम्हें होना पड़ेगा। हाँ राइट राइट, वो एक चीज। हाँ तो मेरे हिसाब से फिर स्विच हो सकता है एक ब्रॉडर लेवल पर।